हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को अजा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए श्रवण करते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में और परलोक में काम आने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसका नाम था हरिश्चंद्र। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। प्रभु इच्छा से उसने अपना राज्य स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थितिवश उसे अपनी स्त्री और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगा। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि में जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महर्षि गौतम इतना कहकर चुप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेंद्र तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राशि, वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हो गई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। राजन, यह सब अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य इस उपवास के प्रति श्रद्धा रखता है, वह जटिल परिस्थितियों में भी सत्य मार्ग नहीं छोड़ता और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। सत्य की परीक्षा जटिल परिस्थितियों में ही होती है।